मेन बाजार में एक कुत्ते की ओर से लगातार 6 लोगों को काटे जाने का मामला सामने आया है, जिसके लिए पीड़ितों ने जहां इन आवारों कुत्तों को काबू करने की बात की है, वहीं पर उन्होंने सिविल अस्पताल पठानकोट में जाकर अपना इलाज भी शुरू करवाया। हालांकि जानकारी के मुताबिक कुत्ते की मौत हो चुकी है और डॉक्टरों ने भी इसे हल्के में ना लेने की बात कही है। घर से आ रही थी कॉलेज के लिए, तो रास्ते में कुत्ता मतलब ऐसे घूम रहा था, शायद पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, एकदम से आया, टांग के साथ लग गया, हाथ के ठीक ही काट दिया लग के, ये नहीं पता, ये शायद बाद में हुआ, बोल रहे थे कि हाँ मर गया, 3-4 बंदों को बाद में भी काटा है उसने। केसेस डॉग बाइट गए हैं एमरजेंसी के बीच, इन्हां विचों एक बुजुर्ग सी ते बाकी यंग पेशेंट सी, लेग्स ते इंजरीज है गया सी और माइनर इंजरी सी, उन्होंने असी डॉग बाइट दे इंजेक्शन अपने को ला के ते फर्स्ट एड दे के उन्होंने भेज दिता था। नहीं डॉग बाइट दी हुण डैथ दे बारे ते मैनू नहीं, मतलब तुसी दस रहे हो जिवें आई डोंट नो अबाउट दिस, होई कि नहीं होई, ते क्योंकि फिर कारपोरेशन दा देखना इस केस कम, साडे ते बस मेडिकल जिहड़ी आपां एड दे के ते इंजैक्शन असीं लाए, इन्हां नूं 4 इंजैक्शन लगने ने, ओह इत्थों लग जाणगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लगने, नहीं कोई खतरा नहीं, सारे पेशेंट ठीक ने। जिला पठानकोट का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल व कॉलेज, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। डेडिकेटेड कोरोना वार्ड, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, व्हाइट मेडिकल कॉलेज भुंगल नियर DLM रिसोर्ट पठानकोट। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।